दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. दिस इज ब्यूटिफुल प्लेस. आई थिंक यू माइट हैव सीन दिस प्लेस इन वन ऑफ माय वीडियोस. लेकिन एक ही जगह आपको अलग अलग दिनों में अलग अलग नजर आएगी, ऐसा होता है. और ऐसा होने के पीछे कारण ये है कि आप जो बाहर देखते हैं वो डिपेंड करता है आप अंदर से कैसा सोचते हैं, आप अपने अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं डिसाइड करेगा आपको बाहर की दुनिया कैसी नजर आती है. सो मे बी यू हैव सीन द प्लेस, बट आई ऑल्सो बिलीव यू आर गोइंग टू फाइंड समथिंग न्यू टूडे एट दिस प्लेस. दिस इज अमेजिंग. दिस इज अ वेरी ग्रीन एरिया विच इज बिसाइड अ रिवर. एक ही जगह आपको अलग अलग दिनों में अलग अलग माइंडसेट के हिसाब से अलग अलग नजर आएगी. इट्स वेरी क्लियर. एंड दैट्स द रीजन इफ यू वॉन्ट टू मेक यूर एक्सटर्नल वर्ल्ड लुक ब्यूटिफुल, ऑल दैट यू आर सपोज टू डू इज टू मेक यूर इंटरनल वर्ल्ड अपीयर ब्यूटिफुल, serene, peaceful, calm and simply awesome. That's very important. So दोस्तों, अगर आपको अपने बाहर की दुनिया को खूबसूरत बनानी है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की दुनिया को मजबूत और खूबसूरत बनाएं. और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने गोल्स लिखें, अफर्मेशंस करें, कुछ विजुलाइजेशन करें, अपने गोल्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचें आप. और एक बार आपने कुछ अच्छी हैबिट्स बिल्ड कर ली एंड यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेट अबाउट यू, बिलीव मी व्हाट हैपेंस इज दैट योर एक्सटर्नल वर्ल्ड स्टार्ट्स अपीयरिंग मोर ब्यूटीफुल. अपने बाहर की दुनिया में कुछ भी बदलाव नहीं किया, आपने सिर्फ एक काम किया और वो कि आपने अपने अंदर की दुनिया को बदला. एंड वंस यू डू दैट द वर्ल्ड लुक्स ब्यूटीफुल. लेट मी शो यू दिस प्लेस विच यू कैन सी इन द बैकग्राउंड. इट्स अमेजिंग. And this place always inspires me. Maybe because ever since I came to Pune in 2006, I fell in love with the culture of this place. This place is, I think, just the best place. Amazing place. You can see this place is so beautiful, isn't it? This is information technology area because I live very close to this part. And this is one place where I keep on coming. I have been here many times, and I can tell you one thing that. Whenever I feel like getting some new ideas, I'll just take my car, I'll come to this place, and then I'll just listen to some audio, some podcasts. I'll listen to Audible, which is an audiobook, and then automatically, once you are in the company of nature, your mind starts thinking at a very fast pace, very fast pace. And ye hai prakriti ka chamatkar, I'll say. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से कि कभी भी, जब भी मौका मिलता है, गो फॉर अ वॉक इन नेचर. एंड डू नॉट गो फॉर अ वॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉकिंग. गो फॉर अ वॉक व्हाइल एडिंग सम फ्यूल, सम आइडियाज टू योर थॉट प्रोसेस. और इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप वॉकिंग करते समय पॉडकास्ट सुने, ऑडिबल सुने, बुक सुने, बिकॉज दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट इन योर लाइफ. आई कैन टेल यू, जस्ट इमेजिन यू आर वॉकिंग amidst nature. You can see this is a beautiful, amazing green place, and then while doing so you are also getting some of the nuggets of wisdom as told by some of the wisest of people. That's the power of audible, that's the power of podcast, that's the power of some of the videos. और जैसे और जब जब और जितनी ज्यादा आप ये करेंगे उतनी ज्यादा आपकी संगत बदलती है, because you are in a company of people who are adding a lot of value. They are some of the wisest people on this planet earth. और जैसे जैसे आप ये करना चाहते हैं, करना शुरू करेंगे, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सकारात्मक परिणाम आना शुरू हो जाएगा. दिस इज़ विदाउट सेइंग दिस इज़ गोइंग टू हैपन. तो ये आप ज़रूर करिए, बिकॉज अपने साथ कुछ समय निकालना बहुत ज़रूरी है. और अपने साथ समय निकालने का सबसे अच्छा तरीका है अपने साथ समय बिताइए जो प्रकृति के साथ भी हो, अपने साथ, प्रकृति के साथ, और सम ऑफ द वाइजेस्ट पीपल टॉकिंग टू यू. नाउ इफ दिस थ्री थिंग्स कम टू योर लाइफ एवरी सिंगल डे, फिर रिपीट करता हूँ, तीनों चीज़ें क्या है, अपने साथ समय बिताना, प्रकृति के साथ समय बिताना, और किसी वाइज इंसान के साथ समय बिताना. ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं व्हाइल वॉकिंग इन द मॉर्निंग. दिस इज पॉसिबल, दिस इज मैजिक. सो ऑलवेज ब्रिंग दिस थ्री थिंग्स इन योर लाइफ, थ्री थिंग्स, राइट? योर कंपनी, द कंपनी ऑफ सम ऑफ द वाइजेस्ट पीपल, एंड द कंपनी ऑफ नेचर. Bring these three things in your life, you are going to rock. Because आपके दिमाग को सही फीड मिलेगा, सही फ्यूल मिलेगा, सही खाना मिलेगा. और जैसे जैसे मिलता जाएगा, डिसीजन मेकिंग की शक्ति, इसके शांत रहते हुए सोचने की शक्ति बढ़ते जाएगी.
एंड देन यू स्टार्ट बिकमिंग बेटर, वाइजर एंड मोर सक्सेसफुल अ पर्सन, बिकॉज एज योर ब्रेन स्टार्ट थिंकिंग मोर वाइजली, यू स्टार्ट टेकिंग बेटर डिसीजन. और अक्सर मैंने देखा दोस्तों, आज जैसे आज सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है, सुबह का समय है, और आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम, जैसे आप में से काफ़ी लोग करते होंगे. बट आई हैव सीन इज दैट वेन एवर आई गेट सम टाइम इन इन द मॉर्निंग आवर्स, स्पेशली ऑन वीकेंड्स, आई विल ऑलवेज कम टू सम ऑफ दिस प्लेसेस. और जब भी मैं ऐसे जगहों में आता हूँ, मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई सोचने की शक्ति मिलती है, और दिस इज लाइक सेल्फ रिन्यूअल, अपने आप को फिर से नया करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So, on this note, once again, my request to you to build the company of three things, right? Three things you remember by now. आपको अपने आसपास तीन चीज़ों की संगत चाहिए. आपको अपने लिए तीन चीज़ों की संगत बनानी होगी. अपने अपना साथ नंबर वन, नंबर टू किसी काफ़ी इंटेलिजेंट, वाइज और पॉजिटिव व्यक्ति का साथ, और नंबर थ्री प्रकृति के साथ. इन तीनों संगत को अपनी ज़िंदगी में उतारिए, और आप ये उतार सकते हैं. आई कैन टेल योर लाइफ विल बी रॉकिंग, इट विल स्टार्ट टेकिंग टर्न फॉर बेटर, हैप्पियर एंड मोर सक्सेसफुल डेज. दैट्स माई प्रॉमिस टू यू. टेक केयर. और इसके पहले कि हम इस वीडियो को क्लोज करें, लेट मी शो यू दिस प्लेस वंस अगेन. इट्स एन अमेजिंग प्लेस. एज यू कैन सी, इट्स ग्रीन and it's beautiful. Take care, have a great weekend, have a great day, and stay blessed. Bye bye.